आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है मोहंक ने। ईमेल तो इसी नाम से आया था, अब पता नहीं मैं सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं कर रही, बट ईमेल बहुत अच्छी लिखी थी। थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग अस ईमेल। और जो आपने हमें सजेशन दी है वो अब आपको बताएंगे मौसम, जो के वीडियो का टाइटल है उदयपुर मेवाड़ फूड टूर, मिलेट टिक्की एंड पैनकेक, ढोकला, पनीर, बाटी, मक्की की रोटी और रबड़ी थाली। अच्छा, ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी थी इसलिए हम लोग इसको दो हिस्सों में करेंगे, दो भागों में देखेंगे इसे। एक भाग आज देखेंगे और एक भाग कल देखेंगे। वेल, देख लेते हैं अभी वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर कर फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर कर फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। ये क्या है? वाओ, ओ ये तो ये क्या देसी घी, उदयपुर मेवाड़ स्पेशल, मेवाड़ स्पेशल, मेवाड़। ये टिक्कियां हैं, बेसन की लग रही है ना? हाँ, मुझे बेसन की लग रही है। लच्छा, अजय अभी भी मशीन है। सबसे अच्छा ये है, साधु एक्टिव ही है। राम राम साहब। कनेक्टिंग फूड पीपल एंड कल्चर। वाह, राजस्थान के शहर मेवाड़ की राजधानी सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर में आपका स्वागत है। हमारे साथ रजत हैं जो कि एक फूड ब्लॉगर है और आज हमें मेवाड़ी फूड टूर पर ले चलेंगे। अनुभव जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेवाड़ में। धन्यवाद। आज हम अपने फूड टूर की शुरुआत करने वाले हैं मिलेट्स ऑफ मेवाड़ से, तो आइए चलते हैं। पूरा भारत में, लेकिन उसको ट्विस्ट देना था तो हमने उसमें मिलेट्स डाल दिया, तो उसको अब मिलेट आलू टिक्की बोलते हैं। ये मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ये सामक का चावल जो हम लोग, सामक तो नहीं है ये? सामक है, सामक ही है। इसको सामक बोलते हैं हमारे यहाँ पे, हम हामा बोलते हैं हिंदी में, इसको सामा बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बर्नयार्ड मिलेट बोलते हैं, तो हर जगह पर अलग इसका नाम है। वही मैं कोशिश कर रहा हूँ याद करने की कि सामक चावल सामक के चावल बोलते हैं जो व्रत में खाते हैं लोग। राइट वही है। अब मुझे ये पता नहीं है कि क्यों व्रत में खाते हैं इसको, इसको रोज क्यों नहीं खाते हैं? ये अभी तक मुझे पता नहीं चला। अब धीरे धीरे आ रहा है लोग ऐसे सेंधा नमक, हाँ लोग पहले ऐसे व्रत में खाते थे, अब धीरे लोग रेगुलर इसमें खाना शुरू कर दिया। तो ये आ गया बॉयल्ड आलू, बॉयल्ड आलू। अब ये सामक डाल दिया, अब ये सामक डाल दिया। जो रेशो है वो 50-50 हो सकता है, 50% डालो 50% ये। सब्जियां डाल दी, इसका थोड़ा चाट मसाला, टिक्की बन गई, पैटी बन गई, पैटी। तो आप मिलेट्स रेगुलर अपने यूज में, मतलब रेगुलर खाते हैं? हाँ रेगुलर खाते हैं। इनफैक्ट जो घर में भी हमने कोशिश किया कि भाई गेहूँ बहुत कम से कम खाएं। एक मेरे भैया को थोड़ी प्रॉब्लम थी पहले, उनका पेट थोड़ा फूल जाता था और उसके बाद उनको गैस का प्रॉब्लम था और एक साथ एसिडिटी का काफ़ी प्रॉब्लम था, तो मैंने उनको बोला कि भाई आप ये गेहूँ कम कर दो और ये बाजरा और मक्का जिसमें ग्लूटिन नहीं हो वो चीज़ खाना शुरू करो। और जब से उन्होंने खाना शुरू किया उनका लगभग ख़त्म हो गया। हाँ ये कहते हैं इसे एसिड फॉर्मेशन नहीं होती। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनको सीलियक का प्रॉब्लम है, सीलियक डिजीज का, सीलियक डिजीज है, तो एक तो जेनेटिकल भी है ये और दूसरा आज के जो आजकल के जो खान पान है ना वो पूरा ही पूरा कम्प्लीटली मेस्ड अप। तो हमें जरूर सोचना चाहिए कि हम एक्चुअली खा क्या रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। आटा लगाया ऊपर, काफी कम तेल डाला जी। ऊपर क्या मसर डाले हुए? हाँ ना कर मौदम। मिलेट्स के बारे में बताएं, राजस्थान में मिलेट्स कितना पुराना है और लोगों के डाइट का पार्ट था,
वो गायब हो गया, दोबारा से आ रहा है, इसकी जर्नी के बारे में कुछ बताएं। एक तो मुझे लगता है जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में ये नाटक हो गया कि भाई गेहूँ और चावल स्टैंडर्ड फूड है, और क्योंकि इसका मास प्रोडक्शन होने लगा तो धीरे 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 इसका जो इनकी जो खपत है वो ख़त्म होने लगी धीरे धीरे। और ये भी कहने लगे जैसे अभी मैं कुछ टाइम पहले मेरा पार्टनर हम जब गाँव जाते थे तो वो जो मिलेट्स थे वो अपने खुद के लिए रखते थे और हमको गेहूँ की रोटी खिलाते थे, तो उनको शर्म आती थी देने में, गरीबों का खाना बोला जाता था, गरीबों का खाना बोला। तो अब धीरे धीरे ट्रेंड में आ रहा है कि ये मिलेट्स काफ़ी न्यूट्रिशियस है, काफ़ी हाई फाई। दूसरा ये भी है कि ये इसमें बाई डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है, इसको उगाने के लिए कोई आपको प्रॉपर लैंड नहीं चाहिए और ना ही आपके लिए इसमें कोई केमिकल चाहिए, और पानी भी कम चाहिए। हाँ, पानी रेन फेडेड क्रॉप, रेन फेडेड क्रॉप। तो एनवायरनमेंट की दृष्टि से देखो तो भी मिलेट्स बेस्ट है, हेल्थ की दृष्टि से देखो तो भी मिलेट्स बेस्ट है। और आप लोग स्लो फूड मूवमेंट के भी पार्ट हैं, स्लो फूड के बारे में कुछ बताएं। स्लो फूड का मतलब है कि क्लीन गुड फेयर फूड फॉर एवरीवन, जिसमें हम सपोर्ट करें अपने लोकल ऑर्गेनिक फूड को, सम लोकल फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं और हमें लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसका पूरा मतलब ये एक पूरी चेन है। इतना टेस्टी है, इसमें सब्जियां भी है, ग्रीन्स भी है, चटनी भी है, हल्का मसाला भी है, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू। अब पैनकेक देखते हैं सर। बाजरा था ना जी? नहीं, धनिया था, सूखा धनिया। अच्छा, मैं बाजरा लगा था। सूखे धनिया की चीज़ बना रहे हैं। कितने तो करना है इसको? 2-3 मिनट बस। स्टॉप पर लाइट है, एकदम लाइट है। हाँ, और पेट में जाके भी लाइट हो बाजरा पैनकेक। वाह, यह बाजरा ही था ना? सॉरी, मुझे लगा कोई बात नहीं हो जाता कभी कभी। मुझे सूखा धनिया लग रहा था। ग्रेट वर्क सनी। सनी भाई बहुत ही बढ़िया बनाया आपने। आपके कैफे में कितने वैरायटीज के मिलेट्स यूज किए जाते हैं? हम एक सामान इस्तेमाल करते हैं, बार्नयार्ड मिलेट, फिंगर मिलेट जिसको हम हिंदी में माल बोलते हैं, रागी, फिर एक है बाजरा, पर्ल मिलेट, एंड देन फिर हम इस्तेमाल करते हैं एमरन, व्हिच इज ग्रेन नॉट अ मिलेट, इट्स अमेजिंग, इट्स अ कैटेगरी ऑफ दैट। सो 4-5 टाइप ऑफ मिलेट ऑन ब्राउन राइस, वी यूज ब्राउन राइस। हेल्दी फूड ओवरऑल। देखो छोटा सा कितना अच्छा लग रहा था, साईं बाबा पराठा सेंटर। और वही तो बहुत हेल्दी लग रहा है। राम पंडित जी, क्यों ये तो पूरा बिल्कुल पराठा घी में तल रहे हैं, प्योर देसी घी में, प्योर देसी घी में। ये तो फिर बटा अमूल का। अच्छा, ये बताइए ये तलने से पूरी नहीं बन जाती? नहीं, पराठा ही बनता है। पराठा मसाला पराठा ही देगा, पराठा भी पूरी में अंदर माल नहीं देगा, खाली रहेगा, कूड़ा ही होगा वो, एक कूड़ा। आप देखो आलू है, प्याज है, बटाटा है, धनिया है। कितने तरह के पराठे हैं आपके पास? गोभी, मेथी, फूली, पनीर। यार इसको खाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। खाना मुश्किल लग रहा है, हम खा के बताएंगे वो कैसे है। मतलब घी में तले हुए पराठे और ऊपर से मक्खन, वो भी अमूल का। और ये पराठा देखें काफ़ी मोटा है, काफ़ी थिक है, जैसा आप बता रहे थे इसमें माल भरते हैं अच्छे से। इसमें आलू की स्टफिंग की गई है, साथ में दही और दाल। आलू का नाम सुनते साथ ही मज़े का, देसी घी का पराठा यार। ये दाल खुरक की है जी, स्पाइसी। ये रही है, मतलब ऐसा है कि अगर आप एक प्लेट लेके बैठो तो आपका 5-6 घंटे तक आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं है। 5-6 लोग हमारे जैसे खाएंगे नहीं, अभी नहीं बात। आधा पराठा तुम शायद पूरा खा सकते हो, मैं तो आधा खाऊं। नहीं, हम खा के अच्छा पनीर, धन्यवाद। मैं आ गया, आप बढ़िया आलू के पराठे खिलाए। मैं सारा दिन कुछ खाना चाहूंगा। ओके, सियोल, सियोल। ओह,
किचन। तो अभी अपन आए डाबालोजी। डाबालोजी क्या है, ऐसी जगह जो आपको मेवाड़ का जो ऑथेंटिक फूड है वो सर्व करता है। मुझे ऐसी जगह बहुत अच्छी लगती है। ये ऐसे बॉलीवुड टाइप है ना? नहीं, ये थोड़ा आर्टिस्टिक ज्यादा थी ना, आर्ट आपका आता है। ये तो कंडे है। ये कंडे है, ये थापियां बोलते हैं इसको। आपको लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? इसको छाणे बोलते हैं और कंडे बोलते हैं। मतलब अगर इसको तोड़ के इसको जलाया है और छोटे छोटे पीसेस हो गए उसको छाणे बोलते हैं, और उसमें बाटी पकाते हैं तो इसलिए बोलते हैं छाणारी बाटिया। हम लोग इसको उपला बोलते हैं। हाँ, उपला भी बोलते हैं। और हनुमानगढ़ के रीजन में इसको थेपड़ी बोलते हैं। थेपड़ी, मतलब इसके काउडंग के अंग्रेजी में से बोलते हैं। कितने नाम है इसके? पंजाबी में यहाँ पर गोया बोलते हैं। हेलो यार, थापियाँ भी कहते हैं ना। तो हम क्या बना रहे हैं? बाटी बना रहे हैं। ये किस चीज से बनता है? गेहूं का आटा। गेहूं का आटा और मैंने मसाला पड़ता है, कसूरी मेथी, सौंफ, जीरा, अजवाइन, दही। अजवाइन तो बाटी की शुरुआत मेवाड़ से हुई है। मेवाड़ रीजन से हुई ये बाटी की शुरुआत। हुई थी बप्पा रावल के टाइम से। जब बप्पा रावल थे वो जब युद्ध में जाते थे तो वो डो बॉल्स को क्या है कि मिट्टी की थिन लेयर में डालते थे, तो वो सनलाइट से जब आते थे शाम तक तो सनलाइट से पूरा परफेक्टली बेक होकर तैयार होता था। तो वो सिर्फ उसको घी के साथ या दही के साथ ऐसे कंज्यूम करते। तो दाल से खाना कब शुरू हुआ? दाल से खाने की शुरुआत का तो एग्जैक्ट मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन ये हो चुका था। मतलब जब इनोवेट हुआ है उसके कुछ ही टाइम बाद ये चालू हो चुका था कि पंचमेल दाल के साथ ऐसे खाया जाए। फिर धीरे धीरे जो मेवाड़ रीजन है उसमें ये हाउस होल्ड जो है पर्टिकुलर उसमें काली दाल जो होती है उड़द की, उसमें थोड़ी सी चने की दाल मिला के यूजुअली खाया जाता है। और आज की डेट में ये राजस्थान की पहचान बन चुकी है। बिल्कुल, राजस्थान की पहचान बन चुकी है जी। ये ढोकला है? हाँ, ये राजस्थानी मेवाड़ी ढोकला है जो कि दाल के साथ, उड़द की दाल के साथ खाया जाता है। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसको स्टीम करते हैं, जैसे पानिया है, पानिया का बेक करते हैं, मतलब काउड एंड एच में जो भी, और इसको करते हैं स्टीम स्टीमर में। तो स्टीम करते हैं तो इसमें जो पापड़कार होता है वो इसको क्या है और सॉफ्ट कर देता है। तो पापड़कार का मेन जो काम है वो है सॉफ्ट करना, जो पापड़ में भी यूज़ में लेते हैं, मक्खी पापड़ी में भी यूज़ लेते हैं। इसमें मसाले पड़ते हैं, कसूरी मेथी जा रही है, धनिया जा रहा है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो डो किसी से बनाया जाता है? मक्की से। मेन इंग्रेडिएंट्स मक्की। अच्छा। अगर ये इसमें मसाला नहीं होता तो हम लोग जैसे घर पे प्लेन बनाते तो उसको दूध, गर्म दूध के साथ खा सकते हैं, मीठे दूध के साथ, सिर्फ मूंगफली के तेल या तिल के तेल के साथ खा सकते हैं। आपको दाल की जरूरत नहीं, आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं। कितनी वैरायटी है ना खाने में, अच्छे से डोनट्स की तरह आ रहे हैं ना, कितना फर्क है। तभी ढोकला को स्टीम किया जाएगा। ये स्टैंड बनाया हुआ है। ये किसके हैं पत्ते? खाकरा का पत्ता है। खाकरा का पत्ता? खाकरा का। इससे भी कुछ स्वाद आता है डालने से? नहीं आता है। इससे नहीं आता कुछ? मतलब पत्तों को लगा रहे हैं जाली के ऊपर। ये तेल लगाते हैं चिपके ना, इसलिए। आधा घंटा और लगेगा? काफी टाइम लगता है इसको पकने में। लगभग एक घंटा तो हो चुका है। आधा घंटा और लगेगा, डेढ़ घंटा। ये तुम्हें याद है, हमने पहले भी देखा है। कंडे गर्म हो चुके हैं, इसमें बाटी डाली जा रही है। कितने टाइम तक पकाया जाएगा इसमें? ये ऊपर पक जाएगा और अंदर डालनी पड़ेगी। अच्छा, मिट्टी के अंदर। तो कितना टाइम लग जाता है पूरा? आधा घंटा। अंदर पकनी पड़ती है? आधा घंटा, आधा घंटा। अगर मेरा हाथ जलता है। हमको 3 साल हो गया इधर। हमका तो आज पहला दिन है।
और बाटी भी बना दूंगा। फेमस है यहाँ की गट्टू भाई की दाल बाटी। गट्टू भाई, आप गट्टू भाई? तो गट्टू भाई को 3 साल हो गए, तभी आपको गर्म लगता नहीं है? मैंने शुरुआत की। अच्छा, क्या बात। तो घर वाला स्वाद आ जाता है इसमें? हाँ। सेम वही स्वाद आता है? हाँ। अब इसमें क्रैक आना शुरू हो गया, मतलब ये पक रही है। अब उसके ऊपर डाल रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं। तो पहले इस पे राख डाला, उसके ऊपर बाटी डाली, फिर राख डाला और ये अब डाल रहे हैं कंडा, राख डाल रहे हैं ताकि इसे डायरेक्ट हीट ना मिले और स्लोली आराम से पका जाए, है ना। धीरे धीरे पकेगा और जलेगा भी नहीं। पूरे प्रोसेस में कम से कम लगता है मुझे 2.5 घंटा लग गया। तो ये तैयार हो चुकी है हमारी बाटी, जिसको अब घी में डुबाया जा रहा है। रोटी किस चीज की बना रहे हैं आप? यस, हाँ, ये मक्का की है, पीली मक्का। और वो बाजरा है? बाजरा। अच्छा, ये जो चटनी बना रहे हैं वो लाल मिर्च और लहसुन की चटनी है। इसमें पहले धनिया सौंफ उसको पीसा गया, फिर लाल मिर्च डाला गया, फिर लहसुन डाला, नींबू डाला, नमक डाला और थोड़ा सा डालेंगे पुदीना और धनिया पत्ता। ये गर्मा गर्म बाजरे की रोटी, लाल मिर्च लहसुन की चटनी, साथ में धनिया पुदीने की चटनी। एकदम तिखास लगेगी जवान को, और गर्मा गर्म बाजरे की रोटी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया बनाया। बात करें अगर आज के खाने की, तो इससे पहले भी हमने काफी ज्यादा खाने देखे हुए, लेकिन आज जो हमने खाना देखा ना वो एक किस्म का ट्रेडिशनल था, एक वहाँ का रवायती खाना, और वो कहते हैं ना सेहत के लिए अच्छे वाला, उस तरह का था। अच्छा, वैसे मैंने बहुत डिफरेंट मुझे सही लगा, क्योंकि इसमें बहुत देसी चीजें इस्तेमाल की जो कि मैं बोलूंगी काफी टाइम से, अब तो वैसे लोग काफी ज्यादा इस साइड पर आ रहे हैं, लेकिन ये कि काफी अरसा लोग इन चीजों से दूर हो गए थे। लेकिन अगर अभी भी बात करें ना, जैसे वक्त इतना ज्यादा हो गया वो चीजों को इस्तेमाल करते हुए जो हम आज के वक्त में इस्तेमाल करते हैं, तो जो पुरानी या देसी चीजें जिन्हें कहे ना आज की जनरेशन के लिए उन्हें एक्सेप्ट करना जो है थोड़ा मुश्किल है। जैसे मैं अगर अपनी भी बात करूं तो देसी घी मैं खा तो लेता हूं, लेकिन मुझे उसमें से कभी कभी स्मेल लगती है। अच्छा, तो ये चीज जो चीज है ना, ये जरा यू नो हजम होने में दोबारा लोगों को टाइम लगेगा, लेकिन नो डाउट देसी घी पुरानी चीजें जो इनके फायदे हैं ना, वो आजकल की वो रेडीमेड चीजें या फास्ट फूड, हाँ बिल्कुल भी। हाँ, लेकिन मैं ये बात बोलूंगी, अच्छी चीज ये कि लोगों में अभी अवेयरनेस वापस आ रही है कि प्रोसेस फूड जो है वो कभी भी अच्छा नहीं है, और ऑर्गेनिक फूड की तरफ लोग आ रहे हैं। लेकिन खैर, क्योंकि यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी ऐसे रेस्टोरेंट सब बन रहे हैं जो कि ऑर्गेनिक फूड यू नो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, बट प्रॉब्लम इसके वो बहुत एक्सपेंसिव है, ये एक ड्रॉबैक है। लेकिन जब यही फूड हम राजस्थान में देख रहे हैं, मतलब मेवाड़ का फूड है, और किस तरीके से उसको चटनी के साथ मकई की रोटी और यू नो बिल्कुल सिंपल और हेल्दी फूड जो कि हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा, मतलब वो वाली चीजें दोबारा से एक बकायदा उनको कैफेज में लेकर आया जा रहा है या फिर उनको ढाबों की बिल्कुल फॉर्म में लग जा रहा है। तो काफी ज्यादा यू नो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छी चीज है। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर बात करूं ढाबा लोगी की जो कि सियोल में है, तो उसकी सबसे अच्छी चीज क्या लगी
फूड तो वाकई उनका बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत हेल्दी किस्म का फूड था, लेकिन वहाँ पे जितने भी उनके कुक कह लें शेफ कह लें वो सारी फीमेल लेडीज थी, महिलाएं जो उनसे थी, मतलब वो देसी तरीके से जैसे घरों में खाना बनाते उसी तरीके से बनाई थी। वाकई में ये चीज बहुत अच्छी है और आपको फ्रेश खाना मिल रहा है, यानी बाजरे की रोटी मिल रही है आपको और चटनियां, मकई की रोटी बनाना आसान है और चटनियां भी वो वाली वो जो यहाँ पर सिलवट्टा बोलते हैं जिसमें पीस रही थी, मुझे नहीं पता वहाँ पर क्या बोलते हैं पर सिलबट्टे पे पीस के वो बहुत अच्छी लगती है। फिर उसके आप बाटी चोखा की बात करें या बट्टी चोखा, तो उसकी अगर बात करें तो वो जो हमने लास्ट टाइम देखा था वो एक डिफरेंट स्टाइल था, तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट तरीका था। बिल्कुल, ये तो उन्होंने एक रेस्टोरेंट यू नो एक बड़ा एक सारा सिस्टम था उस पे उन्होंने करके दिखा, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इजी नहीं। वैसे मैं अगर बात करूं जिस तरह वो बना रही थी और वो क्या नाम लेते हैं अपने हाथ से पलटा रही थी, तो ये वाकई बहुत मुश्किल काम है। वैसे गाँव की औरतों की पुरानी जो खवातीन है जिन्होंने गोयों पे काम किया हुआ लकड़ियों पे काम किया हुआ उन्हें फिर भी जरा इसी की ट्रेनिंग है, उन्हें मुश्किल नहीं लगता, सख्त हो जाते हैं। मैंने भी ऐसा देखा है कि जब पुरानी औरतें तंदूर में यू नो रोटियां लगाती थी तो ऐसे ही करती, मैं हैरान होती थी कि ये लोग कैसे बाहर निकाल देती हैं। हाँ, मतलब डर लगता था। आज की अगर औरतों की बात करें ना, निकालना तो दूर लगा भी नहीं सकती, इवन की वो जो उनकी वो छापड़ी जिसे कहते हैं, जिसे छापड़ी होती है ना जिसके ऊपर वो लगाती है, वो एक सराना टाइप ही होता है, तकिया टाइप ही, वो नहीं आजकल की लड़कियां पकड़ सकती क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है, वो चीज ही नहीं रही। और मुझे जो पहला जो कैफे था जहाँ पर वो गए थे, मुझे वो भी बड़ा अच्छा लगा जहाँ पर बाजरे के पैनकेक बने थे, और वहाँ पर मुझे लगा कि वो धनिया है। बट ये कि वाकई में ये इतना हेल्दी खाना, वैसे मैं भी ट्राई करूंगी, मौसम देखूंगी किस तरीके से बाजरे के पैनकेक बनते हैं, क्योंकि हम लोग को वाकई में इन चीजों की तरफ वापस आना चाहिए। ये बहुत हेल्दी एक स्टाइल था, चाहे वो आलू की टिक्की थी या फिर वो पैनकेक था। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आएगी, हमें तो बहुत अच्छी लगी, तो हमें मजीद इस तरह की वीडियो सजेस्ट करते रहे, देखेंगे, क्योंकि मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि यूजली हम देखते हैं ऐसी वीडियोस जो कि रोड साइड फूड्स होते हैं उनको देखते हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट को देखते हैं, आज भी रेस्टोरेंट देखे लेकिन एक बहुत डिफरेंट स्टाइल में जो है लोग इस साइड पे आना शुरू हो गए हैं। लोग जो है बाजरे की रोटी मकई की रोटी जो है वो बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन पुराने वक्तों में जब ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा था तो यही समझा जाता था कि ये रोटी जो है ये गरीबों की है। आपको डिफरेंट यू नो जैसे दाल की रोटी इस तरह की चीजें डिफरेंट इस्तेमाल करनी चाहिए। वह लोग बहुत मजा आया वीडियो देखकर, एंड आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। इसी के साथ देव हमें इजाजत। Goodbye.